हेलो स्टूडेंट्स, टुडे थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एसेज ऑफ नवंबर 2023. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम पीपल थिंक दैट ओनली दोज हु हैव वर्कड फॉर अ कंपनी फॉर मेनी ईयर शुड बी प्रमोटेड टू हायर पोजिशन. डू यू एग्री और डिसएग्री? तो दिस इज अ डिबेटेबल एसे. यू हैव टू चूज वन साइड, इधर एग्री और डिसएग्री. आप दोनों नहीं यहाँ लिख सकते. तो अगर एग्री की बात करते हैं, येस द पीपल हु वर्कड फॉर मैनी ईयर्स फॉर अ कंपनी बिकम अ लायबल एसेट एंड ट्रस्ट फॉर द एसेट फॉर अ कंपनी. सो दे शुड गेट अ चांस टू एक्वायर द हायर पोजिशन इन द कंपनी. दूसरा क्या रीज़न बनता है कि मैनी ईयर्स वर्क करने से दे बिकम मोर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन. तो उनको क्या होता है कि देश और सीनियोरिटी बेसिस पे दे आर डिजर्विंग, सो दे शुड बी प्रोमोटेड एट द हायर पोजिशन. तो मैंने दो एग्री की बात करें. आप एक जो पॉइंट है उसको बॉडी पैराग्राफ वन में हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरा फेवरेबल आस्पेक्ट है बॉडी पैराग्राफ टू में हाईलाइट कर सकते हैं. मूविंग टू द अनदर स्टेटमेंट, करंटली मैनी पीपल फेल टू बैलेंस देयर वर्क विद अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ. वट आर द कॉजेज? आर देयर एनी कॉन्सिक्वेंसेज? बहुत सारे लोग जो हैं आजकल वो फेल हो रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने में, किसके बिटवीन? बिटवीन देयर प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़. इसके क्या कारण हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉजेज, हैक्टिक स्केड्यूल है, वर्कलोड ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से दे डोंट गेट इनफ टाइम टू डू अदर एक्टिविटीज़ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देम. वी कैन से द एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, स्पेंडिंग टाइम विद मेम्बर्स ऑफ फैमिली, और डू हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक वॉक इन द इवनिंग. सो the hectic schedule is the biggest reason which restrict them to maintain the balance, because they are giving more priority to the work, because they think that only by doing more and more work they can get the better salary, and this will help them leading a good and convenient or luxurious life. क्योंकि hectic schedule कैसे है, working hours ज़्यादा है. working hours क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना ज़्यादा वो काम करेंगे, private companies में mostly people क्या है आजकल engaged है, तो वहाँ पे क्या है कि working hours बहुत ज़्यादा lengthy है. even कि after working hours they do some part of their work from home due to the concept of telecommuting. तो इसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, balance नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्क और अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ को. दोज हु आर वेरी सेंसिटिव, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर डीपली कनेक्टेड विद देयर मेम्बर्स ऑफ फैमिली. तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कई बार वो क्या कर देते हैं, वर्क को इग्नोर कर देते हैं. तो जहाँ से उनका जो वर्क जो है, परफॉर्मेंस है, जो उनका प्रोडक्टिविटी है, वो भी नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है. तीसरा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आर डूइंग वर्क इन एमएनसीज, जिसके लिए दे हैव टू लिव फार अवे फ्रॉम देयर फैमिली, और इसकी वजह से भी वो अपनी फैमिली को टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हैं, अपने पर्सनल, अपने सोशल, अपने सर्कल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं. सो दीज आर द रीजन्स कि वो फार अवे रहते हैं फॉर अर्निंग ब्रेड एंड बटर. इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाएँ तो इससे क्या होंगे, उनके जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. वीक बॉन्ड से क्या है, जो रिलेशन हैं वो क्या हो जाएंगे, एडवर्सली इम्पैक्ट हो जाएंगे. इससे क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट चांसेस अकर हो जाएंगे. दूसरा क्या है, बैलेंस ना होने की वजह से जब वो टाइम ही नहीं दे पाएंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ओवर ऑक्यूपाइड होने से क्या होगा, उनके जो कॉग्निटिव ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी. इससे साइमल्टेनियसली और वी कैन से कि और भी कौन सी चीज़ खराब होगी, साइड बाय साइड उनकी हेल्थ सफ़र करेगी, उनकी फिजिकल ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. दे कैन बिकम विक्टिम ऑफ मैनी हार्मफुल डिसीजेज. मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, दीज डेज मैनी कंट्रीज शो देर इंटरेस्ट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. वट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन? बहुत सारे कंट्रीज हैं जो क्या अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन, मीन्स इन्वेंशन करना जाके यूनिवर्स में. इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? अगर इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पीपल कैन गेट अ चांस टू एक्सप्लोर द अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑन द प्लानट, विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द रिसोर्सेज विच आर एक्सप्लॉयटेड और एक्सट्रीमली utilized by the people on the earth, so they can get a chance to get the alternative sources from other planet. तो ये इसका होगा. सेकेंड बेनिफिट क्या है कंट्रीज को, they will earn name and fame by doing this space exploration. इससे क्या होगा, world record बनेंगे, और क्या होगा कि they can easily forecast the future mishappenings in the advance with the help of space exploration. If I talk about the negative aspect, space exploration is a time consuming and costly product. Countries have to spend lot of money on these things which put negative impact on their financial resources. Another thing is that there is no guarantee in the success of the space exploration, so it may pose serious threat to the life of the human being. The scientists who usually go to the space for doing the space research, so it is not wise to explore the space. तो यहाँ पे क्या है,
इसके ये ड्रॉबैक्स बनते हैं. एंड द लास्ट वन इज नाउ डेज मैनी चिल्ड्रन प्रेफर टू प्ले ऑनलाइन गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स. डिस्कस द मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स. इफ आई टॉक अबाउट द मैरिट्स, मैरिट्स क्या है ऑनलाइन गेम की, कि फॉर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स चिल्ड्रन यूज वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स विच हेल्प दैम इन इम्प्रूविंग देयर टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज वेन दे प्ले दीज काइंड ऑफ गेम्स दे यूज वेरियस काइंड ऑफ टूल्स लाइक रिमोट्स और अदर पुश पॉप बटन्स फॉर प्लेइंग द गेम विच हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर टेक्निकल स्किल्स. दूसरा ऑनलाइन का क्या बेनिफिट है, ऑनलाइन गेम्स हेल्प इन शार्पन द माइंड ऑफ द ह्यूमन बींग बिकॉज दीज गेम्स आर बेस्ड ऑन द मेंटल एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम एज कम्पेयर टू द आउटडोर गेम्स. ड्रॉबैक्स क्या होंगी, लेस आउटडोर गेम्स आर प्लेड बाई दी चिल्ड्रन दैन दे मे बिकम विक्टम ऑफ मैनी हेल्थ इशूज बिकॉज दे डू नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी और दे अवॉइड टू डू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर लॉट ऑफ फिजिकल स्टेमिना, सो दे बिकम विक्टम ऑफ ऑबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड मैनी मोर. द अनदर डीमेरिट ऑफ दिस इज दैट ऑनलाइन गेम आर प्लेड बाई द पीपल और विद द कंप्यूटर, सो देर इज नो अनदर पर्सन विद होम दे कैन प्ले इट, वेयर एज द आउटडोर गेम आर प्लेड इन अ टीम, सो दे विल नॉट गेट अ चांस टू लर्न द टीम स्पिरिट एंड द टीम कोऑर्डिनेशन स्किल्स वाइल प्लेइंग द इंडोर ऑनलाइन गेम्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच.